अगर आप टॉप लोड वॉशिंग मशीन से अपग्रेड करके एक अच्छी क्वालिटी की फ्रंट लोड मशीन लेना चाहते हैं लेकिन एट द सेम टाइम आप ज्यादा पैसे भी नहीं खर्च करना चाहते, देन दिस इज द आंसर। मैं बात कर रहा हूं सैमसंग की फ्रंट लोड 8 kg 5-star वॉशिंग मशीन की, जिसके अंदर आपको 1400 RPM की मोटर मिलती है, एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन इन 2023। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और मैं इस वीडियो के अंदर आपको इसे डिटेल्ड रिव्यू करके दिखाऊंगा और साथ में इसे यूज करके भी दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले कि क्यों ये बेस्ट वॉशिंग मशीन है। आप में से कुछ लोगों के दिमाग में शायद ये आ सकता है कि हो सकता है सैमसंग ने मुझे ये वॉशिंग मशीन दी हो या फिर पैसे दिए हो इस वीडियो को बनाने के लिए, और ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी हैं कि मैं आपको हर वीडियो के अंदर ये बात बताऊं कि इस वीडियो को बनाने के लिए या फिर ये वॉशिंग मशीन मुझे सैमसंग ने नहीं दी, कोई पैसे नहीं दिए, ताकि आप एक सही डिसीजन ले सके। मैं इस वीडियो के अंदर इस मशीन के प्रोज एंड कॉन्स आपसे शेयर करूंगा, मैं आपको इसकी एग्जैक्ट चीजें बताऊंगा क्योंकि इस मशीन को मैंने खुद खरीदा है, इसे लगातार कई दिनों तक, कई हफ्तों तक यूज करा है और बाकी और कई मशीन्स के साथ कंपेयर करने के बाद मैंने आपको बताया अपने इस वीडियो के अंदर कि ये बेस्ट वॉशिंग मशीन है फ्रंट लोड कैटेगरी के अंदर। अब आपको इसकी लुक्स के बारे में बताऊं, लुक्स के साथ साथ आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताता हूं, विच इज वेरी वेरी गुड एंड स्टर्डी। और ये वॉशिंग मशीन एक बहुत ही सॉलिड वॉशिंग मशीन है जिसके अंदर आपको 65 kg का वेट मिलता है। ये वेट सारा का सारा बॉडी मटेरियल, साइड पैनल्स जो कि बहुत स्टर्डी हैं और उनमें एंटी वाइब्रेशंस के जो ये पैनल्स लगे हुए हैं, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मशीन में जब कपड़े धुलते हैं और वो जब स्पिन होते हैं तो उसके ये एंटी वाइब्रेशन पैनल्स बहुत ज्यादा काम आते हैं क्योंकि ये मशीन को वाइब्रेशन से बचाते हैं और लगभग ना के बराबर वाइब्रेशन आपको इस मशीन में देखने को मिलेगी, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। इस मशीन में डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी यूज हुई है और इसमें आपको 22 वॉश प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे। एक्चुअली इस मशीन में आपको 12 वॉश प्रोग्राम्स मिलेंगे क्योंकि ये नॉन वाईफाई वर्जन है। मैंने इसका नॉन वाईफाई वर्जन इसलिए लिया क्योंकि मैं वॉश क्वालिटी को टेस्ट करना चाहता था, वाईफाई फीचर को टेस्ट करने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने बाकी और मशीन्स में करा हुआ है। अगर आप वाईफाई वर्जन लेंगे उसमें आपको 22 वॉश प्रोग्राम्स मिलेंगे जिसे आप सैमसंग की स्मार्ट थिंग्स ऐप से कस्टमाइज कर सकते हैं और खुद वॉश प्रोग्राम कहीं पर भी बैठ के डिसाइड करके उस मशीन को ऑन कर सकते हैं। बट ये नॉन वाईफाई वर्जन के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते। बट क्या वॉश क्वालिटी में कोई फर्क है? बिल्कुल भी नहीं। नाउ इट इज अप टू यू टू डिसाइड कि आपको ये वाईफाई नॉन वाईफाई वर्जन लेना है या फिर वाईफाई वर्जन लेना है। मैंने दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। मशीन के अंदर आपको स्टेनलेस स्टील का ड्रम मिलता है जिसे सैमसंग कहता है डायमंड ड्रम। डायमंड ड्रम का मतलब यह है कि इसके अंदर डायमंड डिजाइन का ड्रम है जिससे फ्रिक्शन ज्यादा पैदा होती है लॉन्ड्री में और वो डर्ट ज्यादा अच्छे तरीके से यानी इफेक्टिव तरीके से निकाल पाती है लॉन्ड्री से, एंड दैट इज व्हाई इट्स अ फैंटास्टिक थिंग। आप अगर इसका वाईफाई वाला वर्जन लेंगे तो आपको उसके अंदर वाईफाई के साथ साथ AI कंट्रोल भी देखने को मिलेगा मशीन में। मतलब AI खुद डिसाइड करेगी कि कितने कपड़े हैं, कौन से फैब्रिक के हैं, उन्हें कितना पानी चाहिए, उन्हें कितना डिटर्जेंट चाहिए और उसके हिसाब से वॉश प्रोग्राम रेकमेंड करेगी। बट मुझे AI थोड़ा सा समझ नहीं आती है। उसका कारण यह है कि AI को कैसे पता कि मैंने जो जीन्स डाली है वॉशिंग मशीन के अंदर वो कितनी मैली है, उसके अंदर क्या मुझे ज्यादा देर तक वॉश करने की जरूरत है या 15 मिनट का क्विक वॉश प्रोग्राम ही सफिशिएंट है। सो दैट इज व्हाई आई नॉट रियली हाईली डिपेंड ऑन AI, बट यस वाईफाई वाली मशीन में जो वाईफाई है दैट्स अ गुड थिंग दैट आई रेकमेंड। जो बहुत शानदार चीज है इस वॉशिंग मशीन में वो है इको बबल टेक्नोलॉजी। जब इस जगह आप अपनी मशीन में डिटर्जेंट डालेंगे, एंड बाय द वे लिक्विड डिटर्जेंट डालना होता है फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में क्योंकि वही सबसे ज्यादा सूटेबल होता है, जब आप उसे डालेंगे तो वो पानी के साथ इतने इवनली मिक्स होगा और ऐसी फोम यानी झाग प्रोड्यूस करेगा जिससे लॉन्ड्री में से डर्ट बहुत आसानी से निकल जाएगा। एंड ये जो छोटे 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 बबल्स बना के ड्रम के अंदर मौजूद होल्स में से वो पानी निकलेगा झाग वाला, उससे डर्ट निकलेगी। नाउ दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड इको बबल टेक्नोलॉजी एंड ये अपने आप में दी
बेस्ट टेक्नोलॉजी है इन ऑल द सैमसंग गुड वॉशिंग मशीन्स। इस मशीन में आपको हाइजीन स्टीम वॉश का प्रोग्राम भी देखने को मिलता है और डीले एंड का भी फीचर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मशीन विद हीटर कैपेबिलिटी के साथ आती है। ऑब्वियसली किसी भी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में आपको एक हीटर भी लगा हुआ मिलता है, तो आप इसमें स्टीम वॉश भी कर सकते हैं कपड़ों की। दैट इज वेरी वेरी गुड, बट ये हर मशीन में है। लेकिन डीले एंड एक ऐसा फीचर है जो कुछ मशीन में होता है और इसमें है, और हाँ इसके वाईफाई वर्जन में भी है। नाउ इसमें आपने कपड़े डाले, आप चाहते हैं कि सुबह जब आप उठें तो आपको कपड़े वॉश हुए हुए मिलें, तो आप प्रोग्राम को अपनी ऐप से उसी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे सोच सकते हैं कि जब आप ऑफिस से वापस आए तो आपको वॉश्ड कपड़े मिले, आप उस तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं। नाउ दिस फीचर इज वेरी कन्वीनियंट फॉर पीपल लाइक मी या माय वाइफ, जो हम दोनों वर्किंग हैं और हम दोनों ये चाहते हैं कि हमारी मशीन हमें वॉश्ड कपड़े जब हम घर पहुंचे तो दे दे, और वो दे देती है। मैंने आपको इस मशीन के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन इसके डिजिटल कंट्रोल पैनल के बारे में नहीं बताया, जो अपने आप में बहुत इजी और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और इसके अंदर आपको सारे वॉश प्रोग्राम्स, एक डिजिटल नॉब और बाकी टच कंट्रोल बटन्स देखने को मिलेंगे, एंड दे आर सुपर इजी टू यूज एंड दे आर वेरी वेरी यूजफुल। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि मैंने हर टाइप के कपड़े को वॉश के बाद 1400 आरपीएम की स्पिनिंग करवानी है। हो सकता है मेरा मन हो 1200 आरपीएम की स्पिनिंग कराऊं, हो सकता है 800, हो सकता है 1000, एंड यू कैन डू दैट इन दिस मशीन। ये जो कन्वीनियंस है, ये जो फ्रीडम है आपके हाथ में दी है और जिसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वॉशिंग मशीन में, दैट इज वंडरफुल। ऑब्वियसली ये मशीन चाइल्ड लॉक फीचर के साथ आती है, और आप इस मशीन को अपनी स्मार्ट थिंग्स यानी सैमसंग की स्मार्ट थिंग्स ऐप के साथ कनेक्ट करके इसमें सेल्फ डायग्नोसिस फीचर भी पा सकते हैं। यानी अगर मशीन में खराबी हुई तो आपको डिजिटल पैनल पे तो लिखा हुआ मिलेगा ही एरर कोड, लेकिन आपको सैमसंग की स्मार्ट थिंग्स ऐप पे भी वो एरर कोड रिफ्लेक्ट होगा, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि मशीन में प्रॉब्लम क्या है, और आप जल्दी से टेक्नीशियन को या सर्विस टीम को कॉल करके वो प्रॉब्लम बता सकते हैं, जिससे आपकी मशीन जल्दी ठीक हो सकती है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये 65 kgs वे करती है, विच इज वेरी वेरी गुड, इट्स अ वेरी वेरी स्टर्डी वॉशिंग मशीन। आप इसे अकेले हिला या उठा नहीं पाएंगे, एंड यू नो जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार ही आपने इसे इंस्टॉल कर दिया, यू डोंट नीड टू यू नो चेंज द पोजीशन एवरी टाइम। एंड ये मशीन पानी यूज करती है लगभग 72 लीटर्स पर वॉश साइकिल, और सैमसंग आपको इस पे देगा 2 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव और 20 इयर्स की वारंटी ऑन द मोटर। अब मुझे लगता है कि 20 इयर्स थोड़ा ज्यादा हो गया, 20 साल तक कोई भी वॉशिंग मशीन यूज करेगा? I really don't think so, but I still welcome this change, क्योंकि Samsung ने 2023 की स्टार्टिंग से ऑलमोस्ट उसी टाइम से 20 ईयर्स की मोटर पे वारंटी देनी शुरू कर दी है, जस्ट टू बिल्ड दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन द ब्रांड कि यार हमारी मोटर खराब होती ही नहीं है। सो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। अब आपको इसका प्राइस बताता हूँ। अगर आप नॉन वाईफाई मॉडल लेंगे, जो कि मेरे पास इस समय है 8 kg का 5-star मॉडल, तो वो आपको कॉस्ट करेगा लगभग 32,000 रुपीज़ का। कुछ डिस्काउंट हमेशा चलते रहते हैं अमेजोन पे, मैंने इसका लिंक दे दिया है आपको अमेजोन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे चेक कर सकते हैं। और अगर आप इसका वाईफाई वर्जन लेना चाहते हैं तो वो कॉस्ट करेगा लगभग 37,000 रुपीज़ का, एंड बाय द वे वो भी बहुत शानदार मॉडल है, और उसके अंदर भी कुछ ना कुछ ऑफर्स चलते रहते हैं Amazon पे, मैंने आपको उसका भी लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड yes, अगर आप इसी वॉशिंग मशीन का एक छोटा साइज लेना चाहते हैं, then do that, क्योंकि अगर आपकी फैमिली नीड्स उससे कम साइज से पूरी होती है वॉशिंग नीड्स, then go for that size, क्योंकि मैं इसे पूरी तरह से रेकमेंड करता हूं, और इसके बाकी सभी साइजेस को भी मैंने उन सभी साइजेस के जो इसी मॉडल के हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिए हैं, एंड वो आप चेक कर सकते हैं। अब आपको बताता हूं इसके प्रोज एंड कॉन्स, और सबसे पहले जो मैंने आपको वादा किया था इस मशीन के आपको कॉन्स ही बताता हूं। अगर आप इसका वाईफाई वर्जन लेंगे तो उसके अंदर आपको जो 22 वॉश प्रोग्राम्स मिलेंगे ना, वो थोड़े यूजलेस हैं। मैंने आपको बहुत सारे वॉशिंग मशीन के वीडियोस में ऑलरेडी बताया है कि आप बेसिकली 3 से 4 वॉश प्रोग्राम्स ही यूज करते हैं थ्रू आउट द लाइफ ऑफ वॉशिंग मशीन। यानी आप घर पे प्रैक्टिकली खुद देखिए, आपके पास किसी भी टाइप की कोई भी ब्रांड की वॉशिंग मशीन है, आप 2-3 वॉश प्रोग्राम्स से ज्यादा कभी भी यूज नहीं करेंगे। तो बाकी जितने वॉश प्रोग्राम्स हैं वो सिर्फ नंबर बढ़ाने का गेम है एंड मार्केटिंग गिमिक है, हर ब्रांड करता है, और वो इस ब्रांड ने भी यानी सैमसंग ने भी करी है। सो 22 वॉश प्रोग्राम्स
मेरे हिसाब से थोड़े से यूजलेस बन जाते हैं, बट इज दैट अ वेरी बिग कॉन? नॉट रियली. ठीक है, मार्केटिंग तो हर ब्रांड करता है, बट हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए प्रोज पे. द वॉश क्वालिटी इज सुपर्ब. आपको जो कपड़ों के अंदर धुलाई मिलेगी, डर्ट तो उसमें से डेफिनेटली निकलेगी, लेकिन जो कपड़ों की सॉफ्टनेस है वो बरकरार रहेगी. और उसका कारण ये है कि आपको खुद पता होना चाहिए कि आपने कौन से कपड़े को कितने आरपीएम की मोटर से स्पिन करना है. आपको ये कस्टमाइजेशन इस वॉशिंग मशीन में मिलती है. दैट इज द वंडरफुल पार्ट, और मैं इससे बहुत खुश हूं. और ये वॉशिंग मशीन जो अब अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी वेलकम चेंज. वाईफाई वॉशिंग मशीन के अंदर ठीक है थोड़े वॉश प्रोग्राम ज्यादा हैं, मार्केटिंग अच्छी करी है सैमसंग ने, लेकिन मेरे हिसाब से वो बहुत यूजफुल वॉशिंग मशीन है. व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग योर वॉशिंग मशीन काइंड ऑफ अप्लायंस थ्रू योर फोन, तो आप सोचिए कितना ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा आपके लिए. आपने लॉन्ड्री बैग में डालने से बढ़िया आपने वो कपड़े डाल दिए वॉशिंग मशीन में, और जब आपका मन करिया जहाँ से भी आप यू नो करना चाहें ऑपरेट उसे करें, वॉश करें कपड़ों को, वॉश होके रेडी जब आप चाहें. नाउ दिस इज सुपर कन्वीनियंट. AI को मैं कोई मार्क्स नहीं देता इस चीज़ के अंदर, एंड आई थिंक द प्राइस इज ऑल्सो वेरी रीजनेबल. मेरे हिसाब से दिस इज द टोटल वैल्यू फॉर मनी एंड बैंग फॉर द बक वॉशिंग मशीन. आपको इसे जरूर चेक करना चाहिए. इसके लिंक्स दिए हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ओके, आपका कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं, पूछ लीजिए यार. आपको कमेंट सेक्शन के अंदर पूरी आजादी है, कुछ भी लिखें. आप ये भी बताइए कि कैसा लगा आपको ये वाला वीडियो, और मैं आपको मिलूंगा अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी. थैंक यू वेरी वेरी मच.